वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्यूज में आपसे पूछेंगे 10 सवाल और उसका जवाब भी बताएंगे, जिससे पता चलेगा कि आप कितने अप टू डेट रहते हैं। काफी अच्छा सवाल है इस वीडियो में, तो चलिए खेलते हैं क्यूज। पहला सवाल है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। आगे सवाल नंबर 2, भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? काफी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ ऊर्जा। आगे सवाल नंबर 3, एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? काफी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। आगे सवाल नंबर 4, कौन सा देश नवजात शिशु से अंग दान करने में सफल हो गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूके। आगे सवाल नंबर 5, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कौशल विकास। ओके, आगे सवाल नंबर 6, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विरासत विकास के लिए। आगे सवाल नंबर 7, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 मई को। आगे सवाल नंबर 9, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। आगे सवाल नंबर 10, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? काफी अच्छा सवाल है और अच्छा फैसला भी है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिल चुका है और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दे पाए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। वंदे मातरम।